नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी नरेश ESM Helpline NB चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं ECHS संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक आप ध्यान से सुने, नहीं तो आपका ECHS कार्ड हमेशा के लिए ब्लॉक हो सकता है। कृपया सभी भूतपूर्व सैनिक ध्यान दें। सर्वप्रथम मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने ESM हेल्पलाइन NB चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले इस ESM हेल्पलाइन NB चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को Ex-servicemen संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हासिल हो सकें। सेना मुख्यालय की तरफ से दिनांक 29 अप्रैल 2019 को एक पत्र जारी किया गया है, जिसका विषय है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज प्रूफ ऑफ इनकम टू चेक एलिजिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट्स फॉर ECHS मेंबर्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ये स्क्रीन पर एक पत्र देख रहे हैं, इसमें इसके विषय अनुसार ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि इसके अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अपने आश्रितों का इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि भूतपूर्व सैनिक व उसकी पत्नी के अलावा जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं तथा जो उस भूतपूर्व सैनिक पर पूर्णतया आश्रित हो, उस व्यक्ति का इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सर्वप्रथम ये बता दूं कि ECHS कार्ड किस किस को लागू है, अथवा या फिर किस किस भूतपूर्व सैनिक के आश्रित को लागू है। इस पत्रानुसार उसी भूतपूर्व सैनिक के आश्रित को ECHS कार्ड लागू है जिसकी आय 18 वर्ष से नीचे हो, तथा या फिर उसके बच्चा या उसके माता पिता जिनकी आय पर मंथ 9000 रुपये से कम हो। यदि भूतपूर्व सैनिक के आश्रित की आय 9000 रुपये, अर्थात उसमें उसका DA शामिल नहीं होगा, उसकी बेसिक पेमेंट होनी चाहिए 9000 रुपये DA छोड़कर, यदि उसकी आय 9000 रुपये से ऊपर है तो उस भूतपूर्व सैनिक के आश्रित को ECHS की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसके लिए भूतपूर्व सैनिक को अपने आश्रितों की इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट देनी होगी, तथा खुद के परमानेंट अकाउंट नंबर अर्थात पैन कार्ड की प्रतिलिपि जो कि स्वयं द्वारा सत्यापित यानी अटेस्टेड हो, तथा स्वयं के द्वारा सत्यापित 26 अल्फा एक फॉर्म होता है इनकम का, जो जिसमें पिछले 2 साल का ब्यूरो दिया हो, इन सभी को आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू अपने जो भी नियरेस्ट ECHS हेल्प केंद्र है उसमें आपको जमा करवाना होगा। ये फॉर्म उनके लिए है जो आश्रित 18 साल से ऊपर हों, भूतपूर्व सैनिक पे जो आश्रित हों और 18 साल से ऊपर हों। तथा दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आपने अपने आश्रित के यानी डिपेंडेंट के 1 वर्ष के दौरान ECHS कार्ड रिन्यू नहीं किया गया तो वह कार्ड स्वतः ही बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी आपको जो एक अपेंडिक्स मैं दिखाऊंगा इस पत्र में, और मैंने लिंक भी दे दूंगा जिसमें पूरा लेटर होगा, उसमें अपेंडिक्स भी होंगे। जैसा कि अपेंडिक्स ए में दिखाई दे रहा होगा कि ये वो सर्टिफिकेट है जो आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र के रूप में देना होगा। ये उनके लिए है जो भूतपूर्व सैनिक, ये प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक के द्वारा जमा करवाना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस सर्टिफिकेट की अवधि मात्र 1 वर्ष तक की ही है, तथा इसके बाद आपको अपना कार्ड अगले वर्ष रिन्यू करवाने के लिए एक इसी पत्र के नीचे अपेंडिक्स बी दिया है, वो आपको भरकर देना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक ये 26 अल्फा पैन कार्ड इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट नहीं दे सकता तो उसको एक स्वयं हस्ताक्षरित
यानी सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट देना होगा अपना व अपने आश्रितों का जो 18 साल से ऊपर हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बताई गई जानकारी से आप पूर्णतया संतुष्ट होंगे। अतः आप अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप लोगों तक अन्य जानकारियाँ पहुँचा दूँ। धन्यवाद। तथा दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यदि कोई भी भूतपूर्व सैनिक जो बैटल कैजुअल्टी अर्थात BC है, उस भूतपूर्व सैनिक से ECHS का उसके पेंशन जाने के दौरान किसी भी प्रकार का पैसा काट लिया गया है PO द्वारा या CDA द्वारा, वो पैसा नहीं लिया जाएगा उससे, ना ही लिया जाता है। यदि गलती से किसी भी भूतपूर्व सैनिक जो BC है और उसका ECHS के नाम पर किसी भी प्रकार का पैसा PPO से काटा है, तो वो पैसा उसको वापस दिया जाएगा। इसके लिए आप अपने संबंधित या अपने स्वयं के रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करें। धन्यवाद।